हेलो एवरीवन, शेफ फातिमा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शादियों में बनने वाली टेस्टी आलू परवल की सब्ज़ी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें इसे कट कैसे करना है और स्क्रैच कैसे करना है मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हम इसे स्क्रैच करेंगे और ऊपर से और नीचे से इसे इस तरह कट कर लेंगे और फिर इसे हम कट करेंगे, पहले एक बार बीच में से और फिर और इस तरह। एक कढ़ाई या पैन गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल या फिर 5 to 6 टेबलस्पून। मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, मस्टर्ड ऑयल में सब्ज़ी अच्छी बनती है। आप चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर परवल को हम फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे परवल को फ्राई होने में। इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई करके बनाने से सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। परवल फ्राई हो चुके हैं, 3 मिनट हो गए हैं मुझे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करते हुए, और अब इसे निकाल लेते हैं। एक्सेस ऑयल हम इसका इस तरह से निकाल देंगे। अब इसी पैन में हम 4 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है स्क्वायर में, थोड़ा मोटा मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा भी कट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं। इसे भी हम फ्राई करेंगे। आलूओं को भी हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं, इनके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। और अब इसी बचे हुए ऑयल में हम सारे खड़े मसाले डालेंगे। अगर आपका ऑयल थोड़ा कम रहता है तो आप 1 टेबलस्पून ऑयल और ऐड कर लें। तो इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च, 4 लौंग, 1 जावित्री का फूल छोटा सा, 2 छोटी इलायची जिसे मैंने तोड़ लिया है, 1 दालचीनी का स्मॉल टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 पिंच हींग। हल्का सा सॉटे करेंगे और इसी के साथ डालेंगे 4 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट गोल्डन कलर की हो गई है और अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून या फिर 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मीडियम फ्लेम पर 1/2 मिनट या फिर 1 मिनट लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी, 1 टीस्पून नमक, नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 हरी मिर्च। अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो स्लिट करके डालें, अदरवाइज़ अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब मसाले को तब तक भून लेंगे जब तक मसाला अच्छे से भुन ना जाए, ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मसाले को भुनते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं, मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। और अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी, ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ डालेंगे अपनी फ्राई की हुई सब्ज़ियाँ। मिक्स करेंगे और अब हाई फ्लेम पर एक बॉईल आने के बाद गैस की फ्लेम लो करेंगे और ढक कर इसे तब तक पकाना है जब तक आलू और परवल पक ना जाएं। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। आलू और परवल को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। जब 10 मिनट हो गए थे तब मैंने इसे ओपन करके भी देखा था, लेकिन आलू नहीं गले थे तो मैंने 10 मिनट के लिए और इसे पकाया। अब आलू और परवल हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं, आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ग्रेवी अभी भी कम रह गई है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गर्म करके पानी ऐड करें और उसको एक बार पका लें सब्ज़ी के साथ। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा फाइन चॉप हरा धनिया और अब गैस की फ्लेम बंद करते हैं
आलू परवल की सब्ज़ी हमारी तैयार है और अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करें।